हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शेरपरा आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइसोजोम्स नाम की ऑर्गेनेल्स के बारे में। चैप्टर नेम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइसोजोम्स ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें तो लाइसोजोम्स जो है वो कहीं ना कहीं गोल्गी एपरेचर से फॉर्म होती है। आप लोगों ने देखा था कि गोल्गी एपरेचर्स इस तरीके के सेक लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है और इसके लिए हम वर्ड यूज करते थे सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्नी है उसका फंक्शन है मटेरियल को मॉडिफाइड करना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, जिसमें आप लोगों ने देखा था ये वाला जो फेस है जिसको सीस फेस कहा था, ये एक तरीके से एंट्री है और इस फेस को हमने कहा था ट्रांस फेस जो एक तरीके से एग्जिट है। लाइसोजोम एक्चुअल में एग्जिट गेट से निकलने वाली कुछ इस तरीके की वेसिकल्स है, इस तरीके की वेसिकल्स जुड़ी हुई होती है गोल्गी एपरेचर्स के साथ और गोल्गी एपरेचर्स से जो भी मटेरियल प्रोसेस होता है मॉडिफाइड होता है वो इस तरीके की वेसिकल्स के अंदर स्टोर करके रिलीज कर दिया जाता है और उनमें से कुछ वेसिकल्स कन्वर्ट हो जाती है लाइसोजोम्स के अंदर। इनके अंदर वही मटेरियल भरा हुआ है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर गोल्गी में एंटर हुआ था और फिर प्रोसेस हुआ था। तो लाइसोजोम एक तरीके से आप कह सकते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं जो गोल्गी एपरेचर्स में से फॉर्म हुई है। इसके लिए आप गोल्गी एपरेचर्स का जो टॉपिक है वो भी एक बार देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिक्रीटरी वेसिकल्स कैसे रिलीज होती है ये दिखाया है। लाइसोजोम्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो गोल्गी एपरेचर से निकली हुई है और वो पैकेजिंग के बाद रिलीज हुई है। उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, वो मेम्ब्रेन बाउंड इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसको कहीं ना कहीं हमें एक जगह पर पहुंचाना है, हमारा टारगेट है वहां पर और उसी मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन यहां पर है। वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसलिए हमने वर्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर यूज़ किया है। अगर इसको लार्ज फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये दिखेगा जैसा आपको फिगर में दिखाया है और ये रहा उसका मेम्ब्रेन और ये अंदर भरे हुए एंजाइम्स, मोस्टली इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक टाइप ऑफ एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। इसका अगर कंटेंट देखें तो अगर आप लाइसोजोमल वेसिकल्स को आइसोलेट करेंगे और उसके अंदर के मटेरियल को देखेंगे तो वो रिच होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के फॉर्म में। उसके अंदर ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ हाइड्रोलाइटिक वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइटिक जो है वो वर्ड लायसिस से आया है और लायसिस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि लाइसोजोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो वाटर की प्रेजेंस में कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अंदर आए हुए एंजाइम्स का काम कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल्स को सिंपल मोलेक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा और वो भी वाटर के प्रेजेंस में, इसलिए वर्ड बन गया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इस ऑर्गेनेल को सुसाइडल ऑर्गेनेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलेसिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इसके अंदर होते कौन कौन से? सबसे पहला है लाइपेज। अब देखो सबके पीछे AACS लगाया जाएगा, एंजाइम के पीछे ऑलवेज ASES लगाया जाता है। अगर मैं लाइपेज एंजाइम की बात करूँ तो लाइपेज एंजाइम का काम है लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करना। लिपिड मतलब फैट स्ट्रक्चर, सिंपली यहाँ पर हम लोग फैट लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। प्रोटीएज जो एंजाइम है उसके नाम से ही आप बता सकते हैं कि उसका फंक्शन होगा प्रोटीन का ब्रेकडाउन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि शुगर,
तो कार्बोहाइड्रेजिस नाम का एंजाइम है वो शुगर को ब्रेक करेगा, और ये सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं एसिडिक पीएच के अंडर। इनके एक्टिवेशन के लिए एसिडिक पीएच चाहिए। मैंने आपको कहा था कि इनका फंक्शन है डाइजेशन, और किन मटेरियल का डाइजेशन ये आप देख चुके हैं, लाइपेसिस लिपिड मतलब फैट को डाइजेस्ट करता है, और प्रोटीएसिस है वो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो इसका फंक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसका फंक्शन है सेल के अंदर आए हुए जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, खास करके न्यूट्रिशन में जो मेन पार्ट प्ले करते हैं। अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन चार मटेरियल का ही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, और ये चारों कंपोनेंट से पूरा सेल या उसकी ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे सेल के, इसलिए हम इसके लिए वर्ड बायोमोलेक्यूल्स भी यूज़ करते हैं। इन चारों का डाइजेशन लाइसोजोम कर सकता है। अगर सपोज ये मेम्ब्रेन टूट जाए और इसके सारे एंजाइम अगर रिलीज हो जाएंगे तो ये सब कुछ डाइजेस्ट होने लगेगा, और सेल के अंदर आए हुई सारी ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर सब कुछ इन्हीं चार कंपोनेंट से बना है। अल्टीमेटली ये एंजाइम सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर जाएगा, इसीलिए इसका नाम सुसाइडल ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन टूटने पर अगर ऐसे एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं तो सेल के सारे कंपोनेंट्स डाइजेस्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, इसलिए इसका नाम सुसाइडल ऑर्गेनेल भी है। डाइजेशन के लिए या डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो भी हम कहते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे ग्लूकोज एमिनो एसिड, इन सब का फॉर्मेशन करने के लिए हमें इस एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और इस एंजाइम्स का सोर्स लाइसोजोम्स है। तो ये फंक्शन हो गया लाइसोजोम्स का। लाइसोजोम्स का नाम लाइसोजोम इसीलिए पड़ा है, जोम मतलब बॉडी या ऐसा स्ट्रक्चर, जो लाइसो मतलब लाइसिस के साथ जुड़ा हुआ है। अब लाइसिस का मीनिंग ही ऐसा होगा कि ब्रेक डाउन, जो कहीं ना कहीं सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए जुड़ा हुआ है या बना हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पर जो वर्ड है वो लाइसोजोम रखा है इस ऑर्गेनेल का। एक नया टॉपिक भी शुरू कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है वैक्यूल्स। ये ऑर्गेनेल्स खास करके आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलेगी, बिग वैक्यूल, बहुत बड़ी वैक्यूल होती है प्लांट सेल के अंदर, जो प्लांट सेल का एक और यूनिक फीचर है या इम्पोर्टेंट फीचर है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही है, ये भी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। ये एक्चुअल में और कुछ नहीं है, ये एक स्पेस है, ये एक जगह है जिसके अंदर कुछ भर सकते हैं, ये खाली जगह है, इस खाली जगह को प्रोटेक्ट किया गया है इस मेम्ब्रेन से। इसके अंदर काफ़ी होलो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर बहुत सारे मटेरियल को फिल किया जाता है या फिर स्टोर किया जाता है। ये ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। कौन कौन सा कंटेंट इस होलो स्पेस में जनरली फिल किया जाता है, अगर हम वैक्यूल्स के कंटेंट की बात करें तो वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और ऐसे मटेरियल जो जनरली सेल के लिए यूजफुल नहीं है, ये सारे मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे वैक्यूल के अंदर। उसके अंदर जो होलो स्पेस है उस स्पेस के अंदर ये सारे मटेरियल को स्टोर करती है। वैक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, पर वो मेम्ब्रेन सिंगल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन सिंगल लेयर से इसका प्रोटेक्शन है, और उसके प्रोटेक्टिव लेयर को नाम भी दिया गया है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। इसके अंदर फिर ये है खाली जगह, इस खाली जगह में बहुत सारे मटीरियल को स्टोर किया जाता है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो सेल के लिए बेकार है या काम की नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लांट सेल के एग्जांपल के वक्त कि वैक्यूल प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है, वो प्लांट सेल का 90% जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस पेरीफरी की तरफ पुश लगने की वजह से चला जाता है। अगर ये एक सेल है प्लांट का तो उसके अंदर अगर आप वैक्यूल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इतनी बड़ी वैक्यूल उसके अंदर देखने को मिलेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि 90% जितना स्पेस तो प्लांट सेल का वैक्यूल ही रोक लेती है, और अब न्यूक्लियस आपको कॉर्नर पे दिखेगा।
टूवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पीछे रीजन है कि ये बिग वैक्यूल जो है उसने पुश किया न्यूक्लियस को, इसलिए वो साइड में खिसक गया। तो बिग वैक्यूल 90% जितना स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली वैक्यूल्स आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी। एनिमल सेल्स में मोस्टली वैक्यूल्स नहीं होती है। प्लांट सेल की वैक्यूल्स को तो समझ चुके हैं। प्रोटिस्टा में अगर बात करें, जिसमें अमीबा एक एग्जांपल है, तो उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल टाइप ऑफ वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल टाइप ऑफ वैक्यूल्स को कहीं हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, एक्सक्रीशन पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली वैक्यूल्स, ऐसा भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस वजह से इसका नाम कॉन्ट्रेक्टाइल। ये कॉन्ट्रैक्ट होती होती यहाँ पहुँचेगी, यहाँ खुल जाएगी और उसके अंदर जो भी मटेरियल होगे वो इस तरीके से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेकर सेल मेम्ब्रेन की तरफ आगे बढ़ती है और एक तरीके से इसके अंदर कचरा भरा हुआ, ये कचरे के डिब्बे की तरह है और इसके अंदर भरा हुआ सारा जो मटेरियल है, जो बेकार है, जो बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, उसको अमीबा बाहर फेंक देगा। तो एक्सक्रीशन जो इसका है वो पर्पस रहेगा, कुछ इस तरीके की दिखेगी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्ट होती हुई सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचती है, इसलिए नाम इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से अमीबा में देखने को मिलेगी। फंक्शन एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल्स प्रोटिस्टा में ही देखने को मिलती है और अमीबा में देखो आपको फूड वैक्यूल्स भी दिखाई है। फूड वैक्यूल्स का नाम ही आपको सजेस्ट करता है कि इसका फॉर्मेशन फूड पार्टिकल्स को निगलने के बाद या एनगल्फ करने के बाद होता है। किस तरीके से? अमीबा का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता और अमीबा सूडोपोडिया बनाते हैं फूड को एनगल्फ करने के लिए। देखो ये उन्होंने बनाए हैं, ये उसका न्यूक्लियस बना देते हैं, ये अमीबा है और ये दोनों जो आपको दिखाए हैं ये अमीबा के सूडोपोड है, उसके जूठे पैर। इन सूडोपोड्स के ज़रिए ये खाने को निगल लेते हैं। जैसे ये सपोज़ ये फूड मटेरियल है, तो इस फूड मटेरियल को एनगल्फ करने के लिए, जिसका मीनिंग होगा एनगल्फ करना मतलब निगलना, उसको निगलने के लिए वो ऐसे सूडोपोड्स बनाएंगे और फिर ये सूडोपोड्स आपस में इस तरीके से फ्यूज़ हो जाएंगे और उसके फ्यूज़ होने के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया उसी का नाम है फूड वैक्यूल्स। फिर उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर देंगे। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए काम में आएगी और फूड वैक्यूल्स फूड एनगल्फ करने के बाद फॉर्म होती है। अगर प्लांट्स में वैक्यूल्स के फंक्शंस की बात करें, टोनोप्लास जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल के पास जो उसकी स्पेस को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, और उसका नाम हमने टोनोप्लास दिया था। टोनोप्लास्ट वैक्यूल का प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है और वो फैसिलिटेट करता है काफ़ी सारे आयंस और बाकी सारे मटीरियल्स की एंट्री को। यहाँ लिखा है कि ये मटीरियल्स अगेंस्ट दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स वैक्यूल्स के अंदर एंटर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये बात तो हम समझते हैं कि वैक्यूल के अंदर एक खाली स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे आयंस और बाकी सारे मटेरियल अंदर जा सकते हैं, पर ये मटेरियल एंटर होते हैं इसके अंदर अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स मतलब ढलान। कोई भी मटेरियल है वो नॉर्मली नेचुरली अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, ये रूल है। कोई भी मटेरियल, आप वाटर की बात करो तो डैम के दरवाजे खोलने के बाद वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो हायर से लोअर की तरफ का ये जो ढलान है इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि एक जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक जगह कम है, इसी वजह से मटेरियल एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा है। अगर दोनों जगह पर लेवल सेम होता, कंसंट्रेशन का प्रेशर सेम होता, तो शायद मटेरियल कभी भी मूवमेंट नहीं करता। मूवमेंट के लिए ढलान ज़रूरी है, डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, डिफरेंस ज़रूरी है। मटेरियल एक जगह हायर है, एक जगह लोअर है, तो हायर से लोअर तरीके का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या ग्रेडियंट जो है उसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रेडियंट, पर
इससे ऑपोजिट अगर हम बात करें, अगेंस्ट का मतलब होता है फ्रॉम दी लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू मटेरियल हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ मटेरियल उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ वो कम है वहाँ से वो ज़्यादा की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारा मटेरियल भर चुका है और सेल के साइटोप्लाज्म में मटेरियल ऑलरेडी कम है, उतना तो बिल्कुल कंसंट्रेशन में नहीं है जितना इसके अंदर है, और तब भी मटेरियल अंदर स्टोर होने के लिए जा रहा है फ्रॉम दी लोअर टू हायर, इसलिए हमने वर्ड अगेंस्ट यूज किया है। तो इस तरीके से यहां पर साइटोप्लाज्म से आयन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, लो फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं वैक्यूल्स के अंदर, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट है जो एंट्री देता है इन मटेरियल्स को वैक्यूल्स के अंदर। तो साफ ये बात हम समझ चुके, देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल्स देन द साइटोप्लाज्म। अगर ये मटेरियल सिंपली लोअर टू हायर जाता होगा, साइटोप्लाज्म में मटेरियल लोअर कंसंट्रेशन में है, और अगर यहाँ से जहाँ ऑलरेडी वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है मतलब कि वैक्यूल के अंदर, फिर भी उसके अंदर जा रहे, तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में और कम होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे वैक्यूल्स के अंदर। तो इन आयन्स का और मटेरियल का कंसंट्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली वैक्यूल के अंदर हायर होगा और साइटोप्लाज्म में कम रहेगा। इसलिए कहते हैं कि वैक्यूल्स जनरली कुछ आयन्स, वाटर मटेरियल और एक्सेट्रा प्रोडक्ट को स्टोर करता है। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स के बारे में था, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ, एक नई ऑर्गेनेल के साथ हम लोग मिलेंगे।